हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम के ऊपर। टॉक शो की श्रृंखला के अंदर आज हमारे साथ भारत के एक श्रेष्ठतम विद्वानों में से एक, अर्थशास्त्रियों में से एक, जिन्हें भारत की इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और खास तौर से मैनेजमेंट के मुद्दों के ऊपर जो गहन समझ है, आज वही विद्वान हमारे सामने हैं, हमारे साथ हैं, श्री नयन पारिख जी। नयन पारिख जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने कीमती समय हमारे साथ जुड़े। दर्शक मित्रों, नयन पारिख जी पहले भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इनका एक एडवाइजर होने के नाते जो रोल है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स को हो या बाकी सरकारों को हो, वो बहुत अहम हो जाता है। इन्हीं कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये भी कहा जा सकता है कि इकोनॉमी की जो एक समझ होती है कि किस दशा और किस दिशा में जा रही है, वो शायद भारत में बहुत लोगों को नहीं है। इन्हीं विषयों के ऊपर आज रोशनी डालने के लिए श्री नयन पारिख जी अपने विचार रखेंगे बेबाकी से, और कहीं ना कहीं मैं ये भी कह पाऊंगा कि इनके विचार सुलझे हुए विचार हैं, एकदम से क्रिस्टल क्लियर हैं, और मुद्दों को देखा जाए तो बड़ी बेबाकी से बयान कर जाते हैं। स्वागत है सर आपका। शुरुआत करते हैं वो चीज जो जनता को बहुत ज्यादा त्रस्त करती है, खास तौर से जनता वैसे भी कोरोना से त्रस्त है, बुरे हाल है, और इस बुरे हाल के अंदर महंगाई का बढ़ना, खास तौर से होलसेल प्राइस इंडेक्स 10.5%, जिसमें 4-5 मुख्य आइटम्स में दालों के रेट करीब करीब 40-50% बढ़ जाना, फ्यूल का रेट तो अब 100 रुपए क्रॉस कर गया, मुंबई में तो पेट्रोल 100 रुपीज पास्ट हुआ है, इंडिया के बहुत सारे शहरों में अब ये है, साथ में खाने का तेल 1 साल में डबल, और इस महंगाई के दौर में सरकार साथ देने की बजाय हमें देखा जाए तो प्रतिदिन पेट्रोल के रेट बढ़ाकर हमें और त्रस्त कर रही है। सर, ये तो कुछ अच्छी बात नहीं हुई ना, क्या कहना है आपका? देखिए, ये तो सही बात है आपकी कि महंगाई जो अप्रैल 2021 में बढ़ी है जी, ऐसी पिछले कहीं 11 साल में नहीं बढ़ी जी। अप्रैल 2010 के बाद, 11 साल के बाद इतनी तेजी से अप्रैल 2021 में महंगाई बढ़ी 10.5%, जैसे आपने कहा जी। और उसमें जो अहम रोल आपने जैसे कहा वो कॉमोडिटीज और फ्यूल का जी। और फ्यूल में हम जानते हैं कि ज्यादातर 100 रुपया हम देते हैं, उसमें से कितना सरकारों को जाता है टैक्सेस में और कितना एक्चुअली क्रूड वगैरह का है। तो इसीलिए क्रूड के भाव बढ़े हैं अप्रैल में, कॉमोडिटीज के भाव भी बढ़े हैं, अमेरिका और चाइना का एक आउटलुक पॉजिटिव हुआ है, उसके कारण इंटरनेशनल मार्केट में फ्यूल और कॉमोडिटी के दाम बढ़े हैं जी। पर मैं समझ रहा हूँ कि इससे भी ज्यादा हम लोग सब समझते हैं कि 100 रुपये में हमारे यहाँ 60 रुपीज प्लस तो टैक्सेस है बिल्कुल, और 30-40 रुपया बड़ी मुश्किल से क्रूड के, उसको रिफाइन करने के और उसके जो आनुषंगिक कॉस्ट है वो है जी। तो इसीलिए मैं समझ रहा हूँ कि ये महंगाई को, और मैं समझ रहा हूँ फ्यूल का कम होना इसलिए भी जरूरी है कि इसके कास्केडिंग इफेक्ट है जो इकोनॉमी में बोलते हैं वो, क्योंकि फ्यूल का दाम बढ़ता है तो हर चीज का दाम बढ़ता है, कोई भी चीज कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन में आप फ्यूल को यूज करते हो, आप मैं ऑफिस में जाते हैं तो आप यूज करते हैं, तो ये जो है फ्यूल की मार हम सबको एक बार नहीं बार बार लगती है और बहुत ज्यादा लगती है। इसीलिए मुझे लग रहा है कि फ्यूल में सरकार को ये वक्त है कि थोड़ा सा मलहम लगाए, थोड़े से अपनी टैक्सेस कम करे। लॉन्ग रन में तो मैं मानता हूं कि फ्यूल को जीएसटी में लाना ही एक उपाय है, क्योंकि वो फिर वो 18-20% पे आपको अटकना पड़ेगा, 18 ज्यादा ज्यादा 28%, उससे ज्यादा ऊपर आप नहीं जा सकते। अभी जो हम लोग 125-150% टैक्सेस ले रहे हैं वो कम करने का एक यही उपाय है, पर जब तक हम ये ना कर पाए तब तक मुझे लग रहा है कि हम लोगों को एटलीस्ट सरकार को कोरोना के समय में, ये जो हम लोग समझ रहे हैं कि पिछले 100 साल की यदि बड़ी सबसे बड़ी ये विपदा है ऐसा हम यदि मान रहे हैं सरकार में, तो इसके समय में सरकार को फ्यूल और कॉमोडिटीज पे काम करने की जरूरत है। कॉमोडिटीज में जब भी हम लोगों को लगे तो हम इंपोर्ट करें जो जरूरी तरीके से करें, हमारे फ्यूल में अपने टैक्सेस कम करें, तो एक हो जाएगा। दूसरा, मैं समझ रहा हूँ कि एक टेम्पररी अप्रैल में ये भी बात थी कि सप्लाई साइड के डिसरप्शंस थे, क्योंकि ज्यादातर स्टेट में लॉकडाउन थे,
तो इसीलिए सप्लाई साइड वो जो लास्ट अप्रैल में सिचुएशन थी ऑलमोस्ट वो थी, और दहशत उससे डबल और केसेस उससे भी ज्यादा। इसीलिए मैं समझ रहा हूँ कि सभी इंडस्ट्रीज, सभी जो यूनिट्स है वो सप्लाई साइड के डिसरप्शन का भी इसमें एक बड़ा रोल था। उसके अलावा मैं समझ रहा था कि जो फूड ग्रेन्स के, जैसे आपने कहा वो 5% अप्रैल में बढ़ गए हैं पिछले महीने के कंपेरिजन में, और उसमें हम लोग समझ रहे थे कि यदि एग्रीकल्चर में ठीक से बारिश हो जाए तो आगे हम लोगों की सहायता होगी। पर उसमें भी जो ये अभी साइक्लोन आया जो कल ही अहमदाबाद से होके गुजरा है, बॉम्बे में आपके यहाँ भी वो तबाही मचा गया है, बहुत तबाही, उससे उससे जो मैं समझ रहा हूँ कि हम लोगों को अगले 2-3 महीने भी फूड ग्रेन्स में तकलीफ होगी, क्योंकि सबके सब जो हमारे क्रॉप्स थे वो सब क्रॉप्स असरग्रस्त हो गए हैं। लोग मरने से कम हम लोगों ने बचा लिए हैं, पर क्रॉप्स को जो नुकसान हुआ है वो मेरे ख्याल से कहीं 80-90% है। तो इसीलिए जो फूड ग्रेन वाला हमारा कॉम्पोनेंट है जी, वो भी महंगाई वाला अगले टाइम पे बढ़ेगा। यदि हम लोग फ्यूल वगैरह को नहीं कंट्रोल कर पाते हैं या उसको टैक्सेस में कहीं रियायत नहीं देते हैं तो उसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट होगा। तो इसीलिए ये सब मिला के मैं समझ रहा हूँ कि महंगाई की मार जो अभी है वो लोगों को और परेशान कर रही है, क्योंकि एक साइड पे कोविड, उसकी ट्रीटमेंट के खर्चे, उसकी बाकी की तकलीफ है, और साथ साथ में एम्प्लॉयमेंट काफी लोगों ने लूज कर ली है, और उसके ऊपर यदि ये महंगाई भी है तो उसकी सबसे ज्यादा असर लोगों पे अभी पड़ेगी। और मैं समझ रहा हूँ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सरकार का ये दायित्व है कि इसमें जल्द से जल्दी ऐसा काम करे, सप्लाई को रिस्टोर करे, बाकी की चीजें करे, ताकि ये जो है इन्फ्लेशन वो एक एक बेरेबल रेट पे आ जाए। अब मैंने कल ही एक न्यूज पढ़ी थी जिसमें बताया गया कि इंडिया के जो टॉप 5 इम्पोर्ट्स हैं उसमें से एक इम्पोर्ट एडिबल ऑयल का भी है, और भारत में एडिबल ऑयल, अब जनसंख्या है तो कंज्यूम होगा ही होगा, वो सीधा एक प्रोपोर्शन आता है, और ज्यादा करके जो ऑयल आता है वो मलेशिया और इंडोनेशिया से ही आता है जो पाम ऑयल के रूप में आता है ब्लेंडिंग। अब अभी हाल ही में इंडोनेशिया ने भी और मलेशिया ने भी उनके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा दी हैं एडिबल ऑयल के एक्सपोर्ट के ऊपर, और साथ ही साथ भारत की ओर से भी जो कस्टम्स ड्यूटीज है इंपोर्ट है एडिबल ऑयल वो भी बहुत ज्यादा हाई है। एक साल के अंदर एडिबल ऑयल की कीमत लगभग डबल हो गई है। सरसों का तेल जो 100 रुपए लीटर था अब 200 रुपए के, 225 रुपए के आसपास है। इसके अलावा चाहे ग्राउंडनट ऑयल हो या बाकी जो ऑयल है, ऑलमोस्ट 70-80-100% पे राइज हो चुका है इनका। पेट्रोल डीजल बढ़े हैं, दालों के रेट बहुत ज्यादा बढ़े हैं, ऑलमोस्ट 30 रुपए से लेकर 70-80 रुपए पर केजी तक बढ़े हैं। अब हालांकि सरकार ने कल इम्पोर्ट खोला है उसका, और कोई भी उसको इम्पोर्ट कर सकता है, ये शायद आग लगने पर कुआं खोदने वाली बात है, एक समझने वाली बात है। सरकार के पास एक्सपर्ट्स हैं, सब कुछ है, जानबूझ के ऐसे वक्त में महंगाई क्यों बढ़ाई जा रही है? मैं समझ रहा हूं कि महंगाई पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे आपने कहा एक्सपर्ट्स की कोई कमी नहीं है, पर एक डिसीजन लेने की जरूरत है। हम यदि समझते हैं कि महंगाई को हम लोगों को टैकल करना है और लोगों को इसमें रियायतें देनी है, मदद पहुंचानी है, तो हम लोगों को उसमें सीरियस काम करना पड़ेगा। और जैसे आपने कहा सरकार यदि चाहे तो फ्यूल पे अभी अपने टैक्सेस कम कर ही सकती, ऊपर से जीएसटी जो हमारे मेडिसिन पे और कोविड के रिलेटेड मेडिसिन और वगैरह पे भी जो हम जीएसटी लग रहे हैं वो तो आई थिंक वेव करने का वक्त है ही। तो सरकार में मैं समझ रहा हूँ कि कुछ एक हम लोगों को बाइटिंग द बुलेट जो बोलते हैं वो चीज करने की आवश्यकता है। अब हम समझ रहे हैं, हम सब समझ रहे हैं कि सरकार को भी इस वक्त रेवेन्यू चाहिए, पर यदि सरकार को रेवेन्यू चाहिए और लोगों को अभी उनसे भी ज्यादा वो पैसे की जरूरत है, तो सरकार को अपना बड़प्पन दिखा के, अपनी जो लार्ज हार्टेडनेस दिखा के, खुद एक थोड़ा सा अपने को तकलीफ करते हुए सरकार के खर्चे कम करके कोई ना कोई तरीके से ये सब जो बेनिफिट्स है वो लोगों को देने का अवसर है, और वो सरकार को करना पड़ेगा। और ये जो एक कड़वी टेबलेट है वो जैसे हम सब ले रहे हैं, हम सब इससे गुजर रहे हैं, वैसे ही सरकार को भी ये इसको एक कड़वी टेबलेट समझ के अपने टैक्सेस रेवेन्यू वगैरह थोड़ा सा फॉरगो करके लोगों के जो जख्म है उस पे मलहम लगाना ही पड़ेगा। और मैं समझ रहा हूँ कि ये डिसीशन सरकार को ही
लेना पड़ेगा, एक्सपर्ट्स एक एडवाइस कर सकते हैं, पर बाइटिंग द बुलेट विल हैव टू बी डन बाय द पर्सन हु इज सिटिंग इन द चेयर हु वुड नीड टू टेक दिस कॉल एंड डू इट नाउ, बिकॉज अभी जरूरत है इसकी, अभी लोग मर रहे हैं, अभी लोगों को तकलीफ है, अभी इसकी जरूरत है। तो ये तो ऑक्सीजन की तरह है, आप वक्त पे नहीं देंगे तो क्या फिर फायदा, जो मरना था मर गया, उसके बाद आप ऑक्सीजन दोगे तो भी वो जिंदा नहीं होने वाला है। तो इसीलिए ऑक्सीजन, दवाई, ये रियायतें, ये चीजें जो हम लोग लोगों को राहत पहुंचाना चाहते हैं, वो हम लोगों को आज देनी पड़ेगी, अभी देनी पड़ेगी। अप्रैल में ये बढ़ा है, मई में एटलीस्ट इन्फ्लेशन में हम लोग एक टारगेट रखे हैं सरकार की ओर से कि भाई हम इतना टारगेट रखते हैं, और आरबीआई को बोले इससे नहीं ज्यादा बढ़ने देंगे, और उसके लिए जो जो जरूरत है वो आज करना पड़ेगा। अप्रैल के आंकड़े आज देख रहे हैं हम, पर मई के आंकड़े और जून के आंकड़े क्या हो सकते हैं और उसके लिए क्या 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 स्टेप्स लें, तो हमारा एक टारगेटेड इन्फ्लेशन हो, उससे आगे नहीं बढ़ने देंगे, ये एक संकल्प लेके सरकार को काम करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत। आज ही भारतीय जनता पार्टी के एक थोड़े एक एमपी हैं, थोड़े से क्रिटिसाइज करते हैं सरकार को, सुब्रमण्यम स्वामी, उनका एक ट्वीट आया और उस ट्वीट ने भी थोड़े से भूकंप पैदा किए वापिस से। उन्होंने कहा कि तीन मुद्दे हैं जो सरकार को इसमें तुरंत सॉल्व करने चाहिए और वो कोई भी नहीं कर रही है। एक कहता है कि कोरोना पे कंट्रोल करना, दूसरा अर्थव्यवस्था को नई दिशा देना, और तीसरा लद्दाख की लड़ाई खत्म नहीं हुई है चाइना के साथ, वहां पर चीजें फिर से सुलगनी शुरू हो गई हैं। और आगे अर्थव्यवस्था के ऊपर एक और कमेंट कर दिया उन्होंने, मैं वही दोहराना चाहूंगा। बोलता है मोदी जी को तो अर्थव्यवस्था की समझ है नहीं, और फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी किसी को समझ नहीं। तो इसके ऊपर एक पूरा एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट तीन बना लें और जनता के सामने पेश करें कि अल्टीमेटली आपका रोड मैप क्या होगा, चार्ट क्या होगा, कैसे आगे जाना है। ये उनकी डिमांड आ जाई है। अर्थव्यवस्था के बारे में तो उनकी डिमांड से मैं बिल्कुल सहमत हूं, कहीं ना कहीं एक रोड मैप तो आना चाहिए, वो रोड मैप नजर नहीं आता है। चलिए, आपने बात की थी बीच में महंगाई की और महंगाई से त्रस्त लोगों की, और उसी त्रस्त लोगों में आता है अब मेजरली उभर कर रूरल डिस्ट्रेस। रूरल डिस्ट्रेस में आज सीएमआईए के जो आंकड़े आए हैं, 14% अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है गांव के अंदर। और उसके अंदर एक चीज और जो खास तौर से जो शहरों से भी जुड़ के आई है कि पिछले एक साल में 3.5 करोड़ लोगों ने, जिनको तनख्वाह मिलती है, उन्होंने अपने प्रोविडेंट फंड से पैसे विड्रॉ किए हैं। 72 लाख लोगों ने प्रोविडेंट फंड में से लोन लिया है। अब ये जो रूरल डिस्ट्रेस है, जो पिछले साल नहीं था, माइग्रेशन लाखों करोड़ों में हुआ तो गांव ने शहर को संभाल लिया, इस पर गांव खुद त्रस्त है। अब शहर के लोग कहां जाएंगे और गांव के लोग कहां जाएंगे, और इसीलिए एफएमसीजी कंपनी, ऑटोमोबाइल कंपनी सभी चिंतित हैं, और वो कह रहे हैं कि शायद इस बार, मेरी भी बात हुई है कुछ लोगों से उस सेक्टर से, उनका कहना है कि आई थिंक दिस ईयर इज वॉश आउट एज फार एज रूरल इकोनॉमी इज कंसर्न्ड। सर क्या कहना है? बिल्कुल सही बात है कि रूरल एरियाज जो है वो लास्ट फर्स्ट वेव में, लास्ट ईयर में बहुत ही अनअफेक्टेड, और उन्होंने हमको बचा भी लिया। जैसे आपने कहा, वो हमारा जो सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स था, बाकी की जो चीजें थी, वो हमारी एक रोबस्ट एग्रीकल्चर सेक्टर ने हम लोगों को थोड़ा बचा लिया। इस बारी जो है वो रूरल एरियाज में ये स्प्रेड हुआ है। उसका कारण हम यदि इलेक्शन की रैली को माने या जो रिलीजियस फेस्टिवल हुए हैं उसको माने, पर इस बारी हम लोग कोरोना को अपने गांवों से दूर नहीं रख पाए, और यदि जब गांवों में हम लोग कोरोना को पाते हैं तो मेरे ख्याल से, क्योंकि गांव वैसे नेचुरली थोड़े से इंसुलेटेड रहते हैं, मोबिलिटी कम होती है, वो लोग बाहर काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, तो वैसे भी थोड़े से प्रोटेक्टेड रहते हैं इस सब चीजों से। पर इस बार ही जब ये एक दो कारण से गांवों में यदि पहुंच गया है कोरोना, तो गांवों में तो बहुत ही लिमिटेड फैसिलिटीज है हमारे पास। देखिए, इंडिया में जो है वो कहीं 10,000 लोगों पे 4 डॉक्टर है, जो अमेरिका में शायद 40 होंगे। तो हमारे पास एक तो पर पीपल डॉक्टर्स की कमी है वैसे भी, और जो डॉक्टर्स है अच्छे वो भी शहरों में काम करना चाहते हैं, तो गांव में तो डॉक्टर है नहीं। तो यदि शहरों की सिचुएशन ये है कि आपको आज शहर में, अहमदाबाद में मुझे कोरोना हो गया था लास्ट मंथ,
तो फैमिली की चिंता मेन ये थी कि मुझे हॉस्पिटल में बेड मिलेगा कि नहीं, यदि बेड मिला तो उसमें ऑक्सीजन मिलेगा कि नहीं, उसमें रामडेसिविर मिलेगी कि नहीं। और उसके बाद भी हम लोगों को वो हॉस्पिटल मिली जहां की आईसीयू का कमरा नहीं था, तो फैमिली चिंतित थी कि यदि कोई आगे इसकी तकलीफ हुई तो हम लोगों को शिफ्ट करना पड़ेगा, आईसीयू वाला तो बेड है ही। हमारे एक दूसरे मित्र थे राजकोट से, यहाँ आए, यहाँ उन्होंने दम तोड़ा, पर राजकोट जैसे शहर से उनको अहमदाबाद आना पड़ा। तो यदि गांवों की बात करें जहाँ की फैसिलिटीज नहीं है, वहां तो अफड़ा तफड़ी के कारण उनको शहर में ले जाने की तरह हॉस्पिटल में पहुंचाने की जिद्दोजहद में मॉर्टालिटी रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां उनके पास एक तो न पैसा है, न समझ है, न मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, न डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी है, न ट्रेंड हेल्थ केयर स्टाफ है, तो वो कहाँ जाएंगे। वो यदि नजदीक के शहर में पहुंच पाते हैं तो भी सिचुएशन शहरों की भी वो बड़ी दुखदायक थी, तो गांवों में तो कितने लोगों ने दम तोड़ दिया होगा, क्योंकि वो कोई भी हेल्थ केयर फैसिलिटी को पा ही नहीं सकते। गांवों में जैसे आपने कहा प्रोविडेंट फंड का शहरों की बात है विड्रॉल हुआ, गांवों में सबसे ज्यादा एक सोने का यदि आपने आंकड़ा देखा हो तो गोल्ड काउंसिल कह रही है कि सबसे ज्यादा सोना और गहने बिके हैं अभी के पीरियड में। तो गांव वाले जो उनके पास तो प्रोविडेंट फंड है नहीं, वो कहां से पैसे लाते, सोना बेच तो के उन्होंने सोना बेचा, सबसे ज्यादा सोना बिका है, क्योंकि वो गहने आदमी तब बेचता है जब वो समझता है कि कोई या तो शादी होगी या तो कोई आफत आ जाएगी, तब इसको बेचेंगे और इससे अपना एक जो हम्प है वो क्रॉस कर लेंगे। तो गांव में सोना बिका है, और उसके बाद भी कितने जी और कितने जानों को तकलीफ आई है वो हम सब जानते हैं। उसके ऊपर से क्रॉप में अभी जो साइक्लोन आया उसके कारण 3-4 राज्यों में तो एटलीस्ट ये परिस्थिति है। गुजरात में ये है, शायद प्राइम मिनिस्टर आज यहाँ दौरे पे भी है, कि भावनगर वगैरह में तो जो क्रॉप थे वो ऑलमोस्ट 90% चले गए। तो इसीलिए जो गांवों में तकलीफ थी उसमें लग रहा था कि इस बार यदि नॉर्मल साउथ वेस्ट मानसून आ जाए तो एक थोड़ी सी सहायता होगी, एक साइड पे इन्फ्लेशन पे सहायता होगी, दूसरे साइड फार्मर्स को भी मदद होगी। वो जो है वो पॉसिबिलिटी टाउटे के कारण टूट गई है, और जो कहर उसने बरसाया है उसके कारण मैं समझ रहा हूँ कि गांवों में जो आप अभी हिंदुस्तान लीवर बाकी की कंपनी इसकी तकलीफ समझ रहे, वो एक दो दिन के ये जो हादसे के बाद मेरे ख्याल से और थोड़ी सी वो तकलीफ आ जाएगी ऐसे लग रहा है। तो इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि हम लोगों को करने की 2-3 जरूरत है। हमको मोबाइल हेल्थ केयर फैसिलिटीज क्रिएट करने की बहुत जरूरत है जो कि हम लोग गांव तक पहुंचा सके, और गांव में 1-2 केस हुए उसके बाद यदि बाजू के गांव में जरूरत है तो वहां पहुंचा सके, क्योंकि हेल्थ केयर की परमानेंट फैसिलिटी शायद वहां क्रिएट करने में दिक्कत हो। तो गांव में हमारी एक रूरल हेल्थ केयर की बेसिक फैसिलिटीज को क्रिएट करना बहुत जरूरी है। उसके बाद मैं समझ रहा हूँ कि जो हमारा मनरेगा का कार्यक्रम है उसको एक और गति देने की जरूरत है, क्योंकि आज लोग इसलिए ही सोना नहीं बेच रहे हैं कि उनके यहाँ तकलीफ है, पर इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि वहां किसी के पास आमदनी नहीं, वहां लोग कोई काम ढूंढ रहे हैं, तो रोजी रोटी की सवाल है वहां, जो वो मनरेगा के कारण हम यदि उनको कोई मदद पहुंचा सके और उन तक कोई पहुंचा, और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जो मैं समझ रहा हूँ कि सड़कें हम लोग बाहर शहर में बना रहे हैं, वो NHAI की सड़कें अभी छोड़ दे और रूरल रोड बनाए, क्योंकि रूरल रोड से हम लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाए। वो गांव में सड़क बन रही है वहां वो काम करेगा, उससे 2 पैसा पाएगा। तो इसीलिए NHAI में हमने कितनी सड़कें बनाई है, मेरे हिसाब से वो ये 2 साल में महत्वपूर्ण है ही नहीं। आपने कितने गांवों में कोई तालाब का काम किया, कोई रूरल रोड्स करे, गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं करें हम, क्योंकि ये तो पुराने टाइम पे राजा करते थे। जहां भी तकलीफ हो तब आप उनको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के कुएं खुदवाएं, काम करें ताकि उन लोगों को रोटी रोजी रोटी भी मिले और एक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट हो। तो ये हम लोगों को मनरेगा के साथ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने की जरूरत है, और ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर का छोड़ दे, इस 1-2 साल में रूरल एरियाज को हम महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट दे और ये मोबाइल हेल्थ केयर फैसिलिटीज दे, तो मेरे ख्याल से जो रूरल लोगों को अभी तकलीफ है उसमें थोड़ी सहायता होगी। ये आपका कहना बिल्कुल सही है। मैं अपने कई बार अपने कुछ एपिसोड्स में या कभी बातचीत के अंदर एक छोटी सी एक स्टोरी में राजा कृष्णदेव राय की जरूर सुनाता हूँ। पॉपुलर स्टोरी है, ऐसा नहीं है कि दर्शकों को नहीं पता होगा कि हमेशा उनका राज्य बड़ा सुखी राज्य होता था, लोग टैक्स दिया करते थे बड़े आराम से, जो भी होते थे उस टाइम के लोकल टैक्सेस सारे किसान मजदूर या जो भी पॉपुलेशन थी देते थे। तो एक बार जब बहुत बड़ी विपदा आ गई तो राजा अपने महल से निकल के आए और ये कहते हैं राजा कृष्णदेव राय,
कि मेरे बच्चों फिकर मत करो, तुमने अच्छे टाइम में हमेशा राज्य की सेवा की है, राज्य के सब भंडार तुमने भरे हैं, आज इस राज्य में जो समृद्धि आपकी वजह से है, जब तक ये विपदा टल नहीं जाएगी मैं आपके साथ हूं, मैं आपको खाना भी दूंगा, मैं आपको धन भी दूंगा, कोई व्यक्ति को किसी व्यक्ति को इस राज्य में कोई तकलीफ नहीं होगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। ये उस बात की ओर इंगित करता है जो मैंने एक प्रोग्राम में कहा था, हम हमेशा कहते हैं कि नागरिकों का पहला फर्ज है कि देश के लिए कुर्बानी देना, लेकिन जब कभी ऐसा वक्त आ जाए कि सभी नागरिक विपदा में आ जाए तो देश कहे कि मैं बच्चों मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, क्योंकि सेवा भी वन वे ट्रैफिक नहीं हो सकती है, कहीं ना कहीं देश भी सामने आए, राजा सामने आए और कहे कि बच्चों मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम चिंता मत करो। अमेरिका में तो फिर थोड़े बहुत पे चेक प्रोटेक्शन आ गए, यूरोप में भी आ गए, कहीं कोई पे चेक प्रोटेक्शन तो आया नहीं। अब इस रूरल डिस्ट्रेस से निकलने का कोई रास्ता भी नजर नहीं आता, थर्ड वेव की बातें हो रही हैं। डॉक्टर देवी शेट्टी का बयान आया कि करीब करीब बच्चों के आईसीयू 160,000 चाहिए होंगे और जो अवेलेबल है इंडिया में सिर्फ 800 है, बच्चों के आईसीयू सिर्फ 800 है इंडिया में, वी नीड 160,000 प्लस मैन पावर प्लस टेक्निकल एंड सपोर्ट स्टाफ, नन एग्जिस्ट हेयर। बोलता है आप कैसे तैयारी करोगे, मेरी चिंता यही से निकलती है, बच्चों के ऊपर अटैक शुरू हो गया कोरोना का, बच्चे मासूम होते हैं, बच्चों की इम्यूनिटी वीक होती है, ठीक है उनको 10 किस्म के टीके लगे हुए हैं, पोलियो के हैं, बीसीजी के हैं, बाकी टीके लगते हैं, लेकिन बच्चों के जो शरीर होते हैं कोमल होते हैं, अगर थर्ड वेव आई तो बच्चों के लिए तो कोई तैयारी नाम की चीज नजर नहीं आती। नयन जी मैं समझ रहा हूँ कि सेकंड वेव से हमको सीखने की जो एक चीज मिली है वो यही है कि जो भी इसको हम लोगों को आपदा आती है उसमें तैयारी बचाती है, जो डाउटते है और आप तैयार नहीं हुए तो कैसे होगा। यदि थर्ड वेव के लिए सेकंड वेव के लिए हम तैयार नहीं हुए, ये हम सबको अब थोड़ा सा ज्ञात हो गया कि भाई हम तैयारी बेहतर करते तो शायद सेकंड वेव को हम थोड़ा सा कम कर सकते थे, उसका जो हम लोगों ने खामियाजा भुगता है वो कम जरूर हो सकता था। हमारी फैसिलिटीज, हमारे जो हम कुछ एक तो हम लोगों ने बिल्कुल डिसकंटिन्यू कर दी, कुछ एक हमारे एम्बिशियस हेल्थ केयर के प्रोजेक्ट थे वो हमने डिसकंटिन्यू किए क्योंकि हमको लगा कि ये तो खत्म हो गया, वी हैव वन ओवर इट। तो हम लोगों ने जो अपनी विक्ट्री घोषित कर दी वो मेरे ख्याल से सेकंड वेव से हम लोगों को सीखना मिला है कि थर्ड वेव के लिए अब तैयारी करें। और सेकंड वेव को हम यदि जैसे अब मेरे ख्याल से पिछले 2-4 दिन से आंकड़े हो रहे हैं कि शायद थोड़ा सा कम हो, पर उसमें कभी कभी डेथ के जो फिगर आते हैं वो बढ़ के भी आते हैं, तो ये स्टेटिस्टिक्स थोड़ा सा हम लोगों को कभी कभी इंडिकेशन देता है, कभी गुमराह करता है। पर मैं समझ रहा हूँ कि हम लोगों को ये तो समझ लेना जरूरी है कि थर्ड वेव आ सकता है और उसकी नहीं तैयारी की तो हम लोगों को एक बहुत बड़ा खामियाना भुगतना पड़ेगा। और जो आपने कहा कि वो बच्चों को ये थर्ड वेव आना है वो भी एक संभावना अब काफी स्ट्रांग है, तो इस पे काम करने की जरूरत ऑलरेडी हो गई। और यदि हम लोगों को इतने आईसीयू चाहिए बच्चों के, तो अब बच्चों को एक तो पहले मैं समझ रहा हूँ कि हमारे वैक्सीनेशन में कैसे इंक्लूड करना। अब वैक्सीनेशन की एक तो जो चैलेंज और जद्दोजहद है वो हम सबको पता है कि अभी 18 के ऊपर के लोगों के लिए हमने वैक्सीन खोले हैं पर हम दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन की जो सिनेरियो है उस पे यदि हमारा वक्त रहा तो उस पे बात करेंगे कि उसमें जो है हमारे पास सप्लाई साइड में बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। पर जो वैक्सीन यदि बच्चों को दे पाए, जितने बच्चों को उतना एक हम लोग उनको सेव कर पाएंगे। दूसरा, यदि तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, पर उसके बाद भी यदि आ गया तो हम लोग कैसे उसके साथ आईसीयू में बाकी की तरह डील करेंगे। हमारे पास इतने चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं उनको थोड़ा सा अभी से हम लोग तैयार करके रखे हैं, क्योंकि जो भी पीडियाट्रिशियन है जो बच्चों को ज्यादा समझते हैं उनको पीडियाट्रिशियन और कोविड दोनों के लिए अभी तैयार करना शुरू कर दें। हमारे जो हेल्थ केयर वाले फ्रंटलाइन स्टाफ है उनको एक देखिए एक एक एडल्ट को ट्रीट करना अलग बात होती है, शेट्टी जी ने इसके बारे में बताया भी है, एक बच्चे को ट्रीट करना अलग बात होती है क्योंकि वो समझता नहीं है और वो अपने तरीके से चलता है। तो यदि एक एडल्ट को ट्रीट करने के लिए आपको एक हेल्थ केयर स्टाफ चाहिए तो उसको एक रीओरियंट करके हम लोगों को रखना पड़ेगा कि बच्चों को आप कैसे ट्रीट करेंगे। तो उनके लिए एक प्रिवेंशन रखे, वैक्सीनेशन में कैसे उनको हम लोग इम्पोर्टेंस देंगे वो ले लें, उसके बाद हम लोगों को यदि हुआ तो हेल्थ केयर और हमारे पीडियाट्रिशियन को कैसे डील करें, और उसके बाद है तो आईसीयू में भी कैसे करें,
उस तरीके से हम लोगों को पूरे अपने जो अभियान है उसको चलाना पड़ेगा और बच्चों को इससे बचाना पड़ेगा। थर्ड वेव की तैयारी आज की तारीख से शुरू कर देनी पड़ेगी। सेकंड वेव पे हम लोग थोड़ा सा काबू भी कर ले तो हमारे पास एक सोने का एक मिनट भी नहीं है, वो हम लोगों को समझ वक्त नहीं है बिल्कुल भी। और अभी सो गए तो फिर पता नहीं बहुत सारे हमारे बच्चे उठ ही नहीं पाएंगे। वैक्सीनेशन पे आते आपने बात की थी, वो उसको लास्ट सेगमेंट पे ले रहे हैं, छोटा सा कुछ रहेगा तो आज मिंट के अंदर एक बड़ी मेजर रिपोर्ट आई है, फ्रंट पेज रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि हमने कुछ क्वेरीज भेजी है बड़ी कंपनियों को, सरकार भी कह रही है, नीति आयोग वीके पॉल साहब को भी भेजा गया है कि आप कहते हो 216 करोड़ वैक्सीन दिसंबर एंड तक हो जाएंगी, तो कहते हैं कि by which math you are calculating it? हमारा मैथ ये नहीं कहता है, हमारा मैथ तो मुश्किल से 50-55 करोड़ के आसपास पहुंचता है अब दिसंबर एंड तक, सब मिल मिला के बहुत ज्यादा हो गया 60 करोड़। काइंडली एक्सप्लेन टू अस हाउ यू आर गोइंग टू रीच 216 करोड़। अभी आप करीब 30-35 करोड़ पे आप अगले 6 महीने में बना सकते हैं, 6 करोड़ पर मंथ की लागत से, तो आप उससे 6 गुना कैसे बना सकते हो, जरा बताइए कि ऐसा कौन सा रामबाण औषधि आपको मिल गई है, कौन सी चीज कि 6 times प्रोडक्शन आप रैंप अप करेंगे दिसंबर तक, बल्कि जुलाई से, कैसे, प्लीज एक्सप्लेन। तो उनसे एक्सप्लेनेशन नहीं आया है, ये चीज मुझे भी थोड़ी सी परेशान कर रही है कि क्या ये सिर्फ एक लोगों को अश्योर करने के लिए इस किस्म के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। देखिए, इसके थोड़े से बेसिक आंकड़े हम लोग समझ ले तो एक क्लैरिटी आ जाएगी और उसको एक थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे तो और थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे सबके लिए। सीरम इंस्टीट्यूट की कैपेसिटी है करीब 6-7 करोड़ डोजेस पर मंथ। अब यदि अपने बीबी का देखे, भारत बायोटेक का, तो उनका है करीब अभी 2 करोड़ और वो बोल रहे हैं कि हम लोग 6 करोड़ के लिए तैयार हो रहे हैं, कैपेसिटी एक्सपांशन हमारा हो रहा है। तो वो एक बार मान भी ले कि यदि हो गया है तो अभी तो खैर 6 करोड़ और 2 करोड़, 8 करोड़, 25 करोड़ का रेड्डीज ने साइन किया हुआ है एग्रीमेंट विद स्पुटनिक। अब वो 25 करोड़ कितने वक्त में आएगा अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं है तो मुझे और आपको पता नहीं है कि क्या है, पर हम लोग यदि एक बार मान भी लें कि 25 करोड़ वो आने वाला है कहीं दिसंबर तक, आज तक कब तक, और वो कैसे बटेगा। उसके अलावा 2 सोर्स है, एक तो जॉनसन एंड जॉनसन और दूसरा फाइजर। अब जॉनसन एंड जॉनसन और फाइजर, ये दो हम लोग जो बात कर रहे हैं वो अभी कोई इतना डेफिनेट स्टेज पे नहीं पहुंचा। फाइजर ने एक बार लास्ट ईयर और इस साल के बिगिनिंग में बहुत कोशिश हमारे साथ कर ली थी पर समाव हमारा एग्रीमेंट उनके साथ हो नहीं पाया। इंडिया तो परमिट ही नहीं कर रहा है यूएस की कोई भी मेडिसिन, तो इसीलिए। पर अब तो देखिए, वो तो अलग बात थी दिनेश जी, वो बात थी कुछ एक महीने पहले की जब हम लोग अपने आप को वैक्सीन के सबसे बड़े राष्ट्र के रूप में देख रहे थे और हम लोग दूसरों को भी वैक्सीन दे रहे थे। आज के हालात ये है कि हम लोग सब समझ रहे हैं कि हमारा स्ट्रॉन्ग इंटेंशन है सबको वैक्सीन देने का, सब लोग 18 से 25 जो मेरे फैमिली में है उसमें हम कोशिश कर रहे हैं, पर आज की तारीख में उनको रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा है, रजिस्ट्रेशन मिले तो वो वहां जाके वैक्सीन नहीं मिलेगी, इसीलिए 18 से 45 अभी जो है वो थोड़ा सा लोअर प्रायोरिटी में है और उनके लिए वैक्सीन लेना मुश्किल है। तो आपने खोल तो दिया है पर उसके वैक्सीन में हमको थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो समझ लीजिए कि आपके पास जो नोन सोर्स है वो 6-7 करोड़ आपके सीरम इंस्टीट्यूट, 2 करोड़ या ज्यादा से ज्यादा 6 करोड़ हो जाए तो 14 करोड़ आपका ये, और रेड्डीज के 25 करोड़। अब कितने टाइम पे ये वो हम लोगों को देख लेने वाली बात है। और दो जो हम लोग जॉनसन एंड जॉनसन और उसकी जो आप बोल रहे थे कि अमेरिका से नहीं लेंगे, यहाँ से नहीं लेंगे, मेरा मानना है कि आज की तारीख में तो हमारा ये रवैया होना चाहिए कि हम कहीं से भी लेंगे, जहां से मिल रहा है मुझे वैक्सीन मिल रही है तो मेरे देश का कोई भी बच्चा, मेरे देश का कोई भी युवा वैक्सीन के कारण नहीं मरना चाहिए। और यदि पूरे टेक्निकल डिफिकल्टी उस पे, वो कल के पेपर में बहुत प्रमुखता से आ गया कि इंडिया के सारे ग्लोबल टेंडर फ्लॉप हो गए हैं जो कि स्टेट्स ने दिए थे, क्योंकि इसमें कोवैक्सीन और सीरम ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। अब कोई फॉरेन की वैक्सीन अप्रूव नहीं है इंडिया में, एक स्पुतनिक को छोड़ के। स्पुतनिक इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द ग्लोबल टेंडर्स गिवन बाय द स्टेट्स एंड बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सर। तो अभी ये समझ में नहीं आता कि जब आपने कहा कि आप कहीं से खरीद लो और आप अप्रूवल तो है नहीं इंडिया में किसी के आने की, ना फाइजर है, मॉडर्ना है, ना चाइनीज साइनोफार्म है, तो फिर अल्टीमेटली ये टेंडर का जो ग्लोबल टेंडर का जो सारा चक्कर चल रहा है ये मीनिंगलेस एक्सरसाइज है। तो दिनेश साहब, मैं ये समझ रहा हूँ कि यदि आप बोल रहे हैं कि भारत सरकार की अप्रूवल नहीं है तो भारत सरकार की अप्रूवल आज दे दो आप, 24 घंटे नहीं दे रहे हैं, वही मैं कह रहा हूँ कि पर आपको देने से कौन रोक सकता है।
यदि आप समझ रहे हैं कि जॉनसन एंड जॉनसन और फाइजर का वैक्सीन अमेरिका में लोग ले रहे हैं और उनके यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि आपको ये पहली बार एज अ गिनी पिग आप ले रहे हैं, वहां चल रहा है, लोग ले रहे हैं, तो आपको इसमें क्या रॉकेट साइंस की तरह दोबारा इसको री इन्वेंट द व्हील करने की जरूरत है? यदि मैं सामने देख रहा हूँ कि दिनेश जी का ये वैक्सीन या ये दवाई लेने से अच्छी सेहत चल रही है, मेरे पड़ोस में है, मैं देख रहा हूँ, और यदि मैं समझ रहा हूँ कि वो भी एक इंटेलिजेंट नेशन है अमेरिका या किसी तरह, तो मुझे स्ट्रेट अवे इसको ये आपदा के टाइम, यदि नॉर्मल टाइम होता तो मैं समझता कि मैं अपनी खुद की ड्यू डिलीजेंस कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, अभी ये वक्त नहीं है, अभी हमारे पास वैक्सीन कम पड़ गई है, अभी J&J और फाइजर का वैक्सीन कोई एक देश जिसको हम डेवलप मान रहे हैं वो ले रहा है, उसके नागरिक उससे बेनिफिट पा रहे हैं, उनके पास से आपको ये वैक्सीन मिलने की संभावना है। अब आप बोल रहे हैं कि मैं अप्रूवल नहीं दूंगा, तो इसका तो कोई कारण नहीं हुआ, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सब आपको एक बार समझ के एट द हाईएस्ट लेवल यू विल हैव टू डील विद दिस एंड यू विल हैव टू अलाउ। ऊपर से मैं तो कह रहा हूं इसके अलावा चाइनीज का तो मैंने अभी बोला नहीं है ना, पर वो भी आप लोगों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं आज की तारीख में जहां से भी जो भी वैक्सीन मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 60-80% एफिशिएंसी वाली है, किसी ने ले रखी है, उसके कोई विपरीत परिणाम नहीं हुए हैं, तो मैं कह रहा हूं कि इसको ड्यू डिलीजेंस को बहुत ज्यादा हम लोग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो फाइजर भी पिछली बार 2-3 महीना हमारे यहाँ मेहनत करके चला गया क्योंकि वो सब चीजों को कंप्लाई नहीं कर पा रहा था जो हम लोग मांग रहे थे उससे। तो अभी का ये वक्त नहीं है कि हम लोग इतने फाइन एस्पेक्ट्स पे जाएं, अभी का वक्त यह है कि हम लोग जो समझ लेके और कोई तकलीफ ना हो वहां ये वैक्सीन ले आए, और एटलीस्ट जैसे आपने कहा हमको चाहिए 200 करोड़, तो हमको तो हर वो सोर्स को एक्सप्लोर करना पड़ेगा जिसके पास वैक्सीन है। इतने ही नहीं, इसको करने के बाद भी वी नीड टू बी ऑन कंटिन्यूअस लुकआउट फॉर पीपल हु कैन सप्लाई अस वैक्सीन, हु आर इन प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग वैक्सीन, उनको भी हम लोगों को मदद करनी पड़ेगी। मैं तो ऊपर से समझ रहा हूँ कि जिनके फाइनल ट्रायल चल रहे हैं उन लोगों के साथ आपको आज की तारीख में उनके 50-70% ऑर्डर के लिए टाई अप कर लेना है, क्योंकि वो जब कल आएंगे तब उसके पास बाकी के 50 देश लाइन से खड़े होंगे। आप आज को बिगिनर्स एडवांटेज लेके आपको उनके साथ साइन करके अपनी वैक्सीन की सप्लाई जो है वो एकदम से पक्की कर लेनी पड़ेगी, और जो हम लोग थोड़ी सी ट्रेन मिस कर गए हैं उसको हम लोगों को इस बार ही लपक लेना है, पकड़ लेना है, और इसके लिए जो जो जरूरी है वो फ्लेक्सिबिलिटी, वो डायनेमिज्म हम लोगों को दिखाने का वक्त। बिल्कुल सही कहा, और देखिए यूरोपियन यूनियन से हमें सीखना चाहिए था, दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्डर उन्होंने फाइजर को दिया 180 करोड़ वैक्सीन का, 180 करोड़ वैक्सीन का, और साथ में हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश ने कलबाजी मार ली, यानी कि इंडिया ने तो मना कर दिया था, बांग्लादेश यस्टरडे एंटर इनटू एग्रीमेंट विद द फाइजर, और पहला उनका बैच 2 जून को लैंड करने जा रहा है अमेरिका से। वही नहीं बल्कि आज रिपोर्ट थी कि बांग्लादेश में अमेरिका के एम्बेसडर मिलर साहब वो उनके फॉरेन मिनिस्टर से मिलते हैं कल ही, और कहते हैं कि सम ऑफ द अमेरिकन कंपनीज वॉन्ट टू प्रोड्यूस द वैक्सीन इन बांग्लादेश टू बी कंज्यूम्ड हेयर ऑल्सो एंड एक्सपोर्टेड आउट ऑफ बांग्लादेश। नाउ दे आर गेटिंग मूविंग वेरी क्विक एक्चुअली, और खासतौर जब उन्होंने स्पुतनिक के साथ भी उन्होंने साइन किया है, साइनोफॉर्म चाइना से 5 करोड़ का ऑर्डर दिया उन्होंने बांग्लादेश ने, और कल फाइजर के साथ भी कर दिया, दे आर मूविंग सो क्विक टू मीट देयर नीड्स, और सारी उनकी वैक्सीन फ्री है पूरे लोगों को, एक पैसा भी नहीं ले रहे हैं वो। हम क्यों नहीं सीख पाते हैं, हम इतना डिले क्यों कर रहे हैं, हम क्यों, हमारे पास 135 करोड़ है, 270 इंजेक्शन चाहिए हमको, हम क्यों नहीं सोच पा रहे कि गंभीरता बहुत ज्यादा है इस समय, उस गंभीरता को समझ के आप मत इतने नखरे कीजिए, मत इतनी कंडीशंस लगाइए, ये बुरे टाइम है, विपदा काल है, इसमें जो मिल रहा है ले लीजिए। फाइजर प्रूवन मेडिसिन है, मॉडर्ना भी प्रूवन है, ऑस्ट्रेलिया हैज गॉन फॉर मॉडर्ना सर, उन्होंने स्टार्ट कर दिया वहां पर, मेरे पास ऑस्ट्रेलिया से रिपोर्ट आ गई है सर, तो मॉडर्ना अप्रूव करके लेना शुरू कर दिया उन्होंने, वहां पे सप्लाई आनी शुरू हो गई है। हम पता नहीं क्यों इन मामले में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, जबकि शुरुआत में कहा गया था कि अगर WHO अमेरिका और जापान ने अप्रूव कर दी है मेडिसिन या वैक्सीन तो ऑटोमेटिक इंडिया में हो जाएगा, और सर वो नहीं हुआ है। खैर बाध्यता है समय की, जाने का भी समय रहेगा, नयन जी के समय की भी मैं इज्जत करूंगा, सम्मान करूंगा। जाने से पहले कोई आखिरी टिप्पणी सर, वैक्सीनेशन हो या इकोनॉमी के ऊपर जो भी आप कहना चाहें। मैं समझ रहा हूं कि आपत्ति का समय है, और ये समय में हम लोगों को कोविड को एक संभालना है। देखिए इकोनॉमी जो है वो आज की तारीख में कोविड पे निर्भर है, तो जैसे ही कोविड का आपका सेकंड वेव आया सभी इंडस्ट्रीज चरमरा गई, सभी इंडस्ट्रीज को अपने प्रोडक्शन में
मैं जहां जहां इंडस्ट्रीज को एडवाइस करता हूँ, आज हमारे पास वहां 15 से 20% से ज्यादा लेबर फोर्स नहीं है, लोग यहाँ है नहीं, लॉकडाउन है। हमारे यहाँ जो रेस्टोरेंट में, जो बॉम्बे में, मेरे ख्याल से हमारे यहाँ जो जीडीपी जनरेट करने वाली जो एरियाज है, अनफॉर्चुनेटली इस बार वो सबसे ज्यादा हिट है। दिल्ली है, बॉम्बे है, अहमदाबाद है, बेंगलोर है, तो ये जो राज्य है वो हमारे यहाँ जीडीपी कंट्रीब्यूट करने में पूरे देश में आगे, उन देशों को, उन एरियाज को ही ज्यादा हिट हुआ है इस बार, सामने रूरल एरियाज को हिट हुआ है। तो हम क्या ऊपर से नीचे तक इससे घिरे हुए हैं, और जो जो जीडीपी में मेजर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यदि वो शहर चरमरा गए और उनको दिक्कत आ गई, उनके यहाँ यदि रेस्टोरेंट खाली पड़ने लगे, उनके यहाँ यदि लोग नहीं जा पा रहे हैं, उनके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, तो कोविड एंड इकोनॉमी वुड गो हैंड इन हैंड। और जहां जहां कोविड का कहर आएगा, वहां वहां इकोनॉमी आप बचा नहीं सकते, क्योंकि इकोनॉमी फाइनली इज यू नो वॉट एवर वी आर कलेक्टिवली एज एज काइंड ऑफ यू नो मनी मेकिंग अरेंजमेंट्स। तो यदि हम लोग ये इकोनॉमी में अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे, और यदि हमारी जिद्दोजहद अपने जी को बचाने में लगेगी, जान को बचाने में लगेगी, तो इकोनॉमी में तो डिप आना स्वाभाविक है। तो मेरे ख्याल से इसमें हम लोग कोरोना को कंसोलिडेट करें, अपनी पोजिशन स्ट्रेंथन करें, और साथ साथ में इकोनॉमी को जो जो हमारी महंगाई वगैरह है इससे बचाए, लोगों को बचाए, रूरल एरियाज में जहां जहां हम लोगों को तकलीफ लग रही है वहां मनरेगा वगैरह सिचुएशन करे। जैसे आपने वो राजा की बात करी थी, आई वुड लाइक टू एंड विद दैट कि इस बारी अभी इसका समय ये है कि जो भी राज्य करने वाले हैं वो लोगों के पास जाएं, उनको मदद करें, उनके कंधे पे हाथ रखें, कि जब तक ये विपदा नहीं जाएगी हम आपके साथ हैं, एंड ऑल द वे साथ, आपको अन्न देने के साथ, मेडिसिन देने के साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के साथ, वैक्सीन कहीं से भी लाके हम लोग ला देंगे, वो एक अश्योरेंस जो देना है वो करके हम लोग कोविड को भी फाइट कर लेंगे और अपनी इकोनॉमी को भी स्ट्रेंथन कर लेंगे। और ये दोनों करने के लिए जो हम लोगों को करने की जरूरत है, वो सब मेरे ख्याल से आपकी चर्चा में आज बाहर आया ही है। आई होप दैट उस पर काम करना शुरू हो और एक हम लोग खुशहाल इकोनॉमी, खुशहाल देश की तरफ आगे बढ़े। एक हमारे एक लास्ट में बिल्कुल जाते जाते हमारे दर्शक हैं, इंद्रजीत सहमी जी हैं, उनका एक प्रश्न था कि थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, मुस्कुराहट तो आई जाती है, कि पॉलिटिशियन के ऊपर टैक्सेस क्यों ना बढ़ा दिए जाए, बहुत पैसा है उनके पास, और कुछ सब्सिडीज के अंदर कुछ ऐसा बदलाव किया जाए, और आरबीआई या सुप्रीम कोर्ट मिलके कुछ ऐसे कदम उठाए जिसके द्वारा कि जनता को राहत मिल सके। अब देखिए, पॉलिटिशियन पे टैक्सेस बढ़ाने की बात तो ये है कि पॉलिटिशियन को ही इस पर डिसीजन लेना है, तो इसका डिसीजन भी उन्हीं से आना है और तलवार भी उन्हीं पे गिरनी है। जैसे वो पार्लियामेंट में नहीं बोलते हैं कि भाई जो एमपीज हैं उनके अलाउंस बढ़ा दो, तो बढ़ाने वाले भी वो, पाने वाले भी वो, इसमें नक्की करने वाले भी वो, और उनकी ही पॉकेट से जाने दोनों हाथ खड़े करते हैं। पर मैं समझ रहा हूँ कि आपके चैनल के थ्रू ये पॉलिटिशियंस को बात पहुंचे और वो करें, तो हम सबके लिए एक बड़ी प्रसन्नता की बात होगी कि भाई ऐसे वक्त में आप बोल रहे हैं कि आप खुद अपने टैक्सेस ज्यादा बढ़ा के लोगों को मदद करना चाहते हैं। इट वुड बी अ वेरी नाइस जेस्चर, इट वुड बी अ वेरी काइंड वे ऑफ टेलिंग पीपल दैट वी केयर एंड वी आर विद यू। तो ये चीज करना तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है, इवन जेस्चर वाइज अच्छा है, सिंबॉलिकली अच्छा है, एंड लोगों को इमोशनली भी ये मदद करेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो दोस्तों, ये थे बेबाक विचार श्री नयन पारिख जी के, भारत के लीडिंग अर्थशास्त्री, और जिन्हें अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी गहन जानकारियां जो हैं, और अभी जो बातें उन्होंने हमसे कही हैं, आपको बताई हैं, उससे हमें कुछ सीखने को भी मिलता है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है, और इन शब्दों के साथ एक उम्मीद की किरण जागती है कि हाँ, आने वाले दिन में कुछ चीजें बेहतर होंगी। हाँ, अच्छा ये होता कि विपदा काल में नेता लोग सड़कों पर निकलकर नजर आते लोगों को कि हाँ, हेल्प कर रहे हैं। आज जब लोग तरस रहे हैं, एक छोटी छोटी चीज को भटक रहे हैं, सरकार नजर नहीं आ रही है, और कई तो कुछ न्यूज़पेपर के, कुछ मैगजीन्स के कुछ हेडलाइंस भी इसी किस्म की आ रही हैं कि मिसिंग गवर्नमेंट्स तो हैं, तो वो मंत्री, वो एमपी, वो या एमएलए, जिनको आप क्या कह सकते हो कि जनता के रिप्रेजेंटेटिव जो भी किसी भी रूप में हों, वो इस बार इस विपदा में सड़कों पर नजर नहीं आए हैं। ये एक तरह से एक ट्रेजिक चीजें हैं, क्योंकि इस मौके पे उनकी जरूरत थी कि वो सड़कों पे नजर आते, जनता की मदद करते,
पर इस बार वो यहाँ पर नजर नहीं आए, शायद उन्हें अपने जान की चिंता ज्यादा हो रही थी। इन्हीं शब्दों के साथ हम लेंगे आपके आपसे आज्ञा दर्शक मित्रों, और नयन जी का करेंगे धन्यवाद, आभार, आपने कीमती वक्त निकाला, हमारे कार्यक्रम में आए, दर्शकों को बहुत खूबसूरत अपनी बातें रखी, और जल्दी मिलेंगे दोस्तों अगले मुद्दे के ऊपर एक नए विद्वान के साथ ज्वलंत विषय के ऊपर। आज्ञा दीजिए, हमें मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। धन्यवाद।